हेलो स्टूडेंट्स, जेपीआईसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 से पोएम का फर्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे, जिसका नाम है द फाउंटेन। इससे पहले हम आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा में पोएम से रिलेटेड 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक पैसेज लिया जाता है, जिनमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं जो 2-2 अंकों के होते हैं, और एक सेंट्रल आइडिया या पोएम लिखने के लिए आता है, 3 अंक का होता है, तो कुल मिलाकर के 7 अंक होते हैं। और इस पोएम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके पोएट के बारे में जानते हैं। इस पोएम के पोएट हैं जेम्स रशेल लावेल, जिनका जन्म 1819 में कैम्ब्रिज में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड से पूरी की थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। वह एक अमेरिकन मिनिस्टर के रूप में 1877 से लेकर के 1880 तक और 1880 से 85 के बीच में ब्रिटेन में 77 से 80 तक स्पेन के मिनिस्टर भी रहे। उन्होंने कई नेचर से रिलेटेड पोएम्स लिखी, जिनमें से एक पोएम यह है जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब की गई है, द फाउंटेन। उनके द्वारा कई सारे लेख लिखे गए, जिनमें से कुछ अटलांटिक मंथली, नॉर्थ अमेरिकन रिवीव्स अमंग द ब्रूक्स, माई स्टडी विंडोज, डेमोक्रेसी एंड बिग्लो पेपर्स हैं। वह एक वेल नोन पोएट थे। अब हम अपनी पोएम की तरफ आते हैं, इसके स्टेंजास को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने इस पोएम में फाउंटेन के निरंतर गति करने के बारे में बताया। उसने फाउंटेन यानी फव्वारे का जो गुण है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो देखिए बच्चों, इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इसमें हमारा जो पोएट है वह फव्वारे के सुबह से लेकर के शाम तक जो उसकी गतिशील प्रक्रिया है उसके बारे में बताना चाह रहा है। इन टू द सनशाइन मीन सूर्य की रोशनी, जब धूप हो रही होती है, फुल ऑफ द लाइट, पूरी तरह से प्रकाश होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, लीपिंग होता है उछलना, जैसे फव्वारा आप देखते हैं ऊपर की ओर उछलता हुआ जाता है, तो उछलते हुए और फ्लैशिंग चमकते हुए फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मीन सुबह से लेकर के रात तक वह गति करता रहता है। दूसरा स्टेंजा है, इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग शो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। पोएट इसमें फव्वारे की उस स्थिति को बताना चाहता है कि जब हवा चल रही होती है तो उस समय जो फव्वारा है उसकी स्थिति क्या होती है। वह कहता है इन टू द मून लाइट, जब रात का समय होता है, चांदनी रात होती है, वाइटर देन स्नो, तो वही फव्वारा जो सूर्य के प्रकाश में चमक रहा होता है, वह मूनलाइट में जब चांदनी रात होती है तो उसमें इस तरह से सफेद दिखाई पड़ता है जैसा कि बर्फ होती है। वेविंग सो फ्लावर लाइक बेंड्स द विंड्स ब्लो, और तब जब हवा चलती है तो वह एक फूल की तरह, जैसे हवा चलने पर फूल दाएं बाएं हिलता है, उसी तरह से फव्वारा भी झूलता है, वेव करता है, हिलता है। इन टू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी वाइड। थर्ड स्टेंजा में स्टार लाइट में फव्वारे की क्या पोजीशन होती है उसके बारे में कब डिस्क्राइब करता है। इन टू द स्टार लाइट, जब सितारों की का प्रकाश होता है, रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे मीन्स बूंदों बूंदों में, जैसे फव्वारे की बूंदे निकलती हैं, रसिंग मीन्स गति करता रहता है, भागता रहता है, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी वाइड। और हमेशा इस तरह से वह गति करता रहता है जैसे लगता है कि वह हमेशा प्रसन्न मन है। नेक्स्ट स्टेंजा में फीवर इन मोशन ब्लिज़र एंड चीयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हिवन बर्ड नेवर अ वियरी। कवि इस स्टेंजा में पोएट हमारा जो है वह फव्वारे के इस विशेष गुण के बारे में बताता है कि विल नेवर अ वियरी, कभी भी वह थकता नहीं। फव्वारे के बारे में बताता है कि कभी भी फव्वारा थकता नहीं है, फीवर इन मोशन हमेशा गतिमान रहता है, ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, ब्लिज़म एंड चेरी, आनंदित और प्रसन्न चित रहते हुए, स्टिल क्लाइंबिंग हिवन वर्ड, हमेशा निरंतर, स्टिल मीन्स अभी भी ऊपर की ओर, हिवन वर्ड मीन्स ऊपर आकाश की ओर उठता।
भी कहता है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर एक मौसम में वह प्रसन्न रहता है, प्रसन्न चित रहता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेक्ट, चाहे वह ऊपर की ओर उठ रहा हो या उठने के बाद नीचे की ओर आ रहा हो, मोशन डायरेक्ट, उसका आराम कहाँ है? उस फवारे का आराम केवल उसकी गति में है, मीन्स वह निरंतर निरंतर गति करता रहता है, रेस्टलेस रहता है, आराम नहीं करता, आराम कहाँ होता है उसका, उसकी गति में ही उसका आराम है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखेंगे, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन थिंग चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम। इस स्टैंजा में पोएट कहता है फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन थिंग, फवारे के इस गुण के बारे में बताता है कि फवारा पूरी तरह से नेचुरल है, प्राकृतिक, नथिंग कैन टेम, उसको कोई भी पालतू नहीं बना सकता, उसको बंधनों में नहीं रखा जा सकता है। चेंज एवरी मोमेंट इवर द सेम, यद्यपि वह कहता है चेंज एवरी मोमेंट, हर एक क्षण उसमें बदलाव आता रहता है, फिर भी फवारा हमेशा एक समान रहता। नेक्स्ट स्टैंजा में पॉइंट कहता है सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनशाइन डाई एलिमेंट, डाई मीन्स होता है तेरा तुम्हारा। पोएट फाउंटेन से कहता है कि ए फवारे, ए फाउंटेन, तेरे गुण क्या है? वो कहता है सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस मीन्स जो न रुके, निरंतर गति से चलता रहे, एस्पायरिंग मीन्स महत्वाकांक्षा, कहता है कि तू इतना महत्वाकांक्षी है कि निरंतर गति करता रहता है, फिर भी सीजलेस कंटेंट, फिर भी अनवरत महत्वाकांक्षा के साथ साथ कंटेंट मीन्स संतुष्ट भी है, तू अपनी गति से संतुष्ट भी है। डार्कनेस आर सनशाइन, चाहे डार्कनेस हो अंधेरा हो या सनशाइन धूप हो रही हो उजाला हो, तेरा यही गुण है। कवि फवारे के इस गुण से इतना प्रसन्न है, इतना गदगद है कि वह कहता है कि ए फवारे ग्लोरियस फाउंटेन, कहता है शानदार फवारे लेट माय हर्ट बी, कहता है कि मेरा भी हृदय तेरे इन गुणों से भर जाए, मेरा भी हृदय ऐसा हो जाए, फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी, कहता है कि चाहे मेरा मन फ्रेश हो, मैं प्रसन्न चित्र हूं, चेंजफुल या उसमें कोई उतार चढ़ाव आए, बदलाव आए, कॉन्स्टेंट या उसमें ठहराव आ जाए, स्थिरता आ जाए, अपवर्ड लाइक दी, कभी चाहता है कभी विश करता है कि मेरे भी हृदय के अंदर वह गुण हो कि मैं हमेशा ऊपर चढ़ने की यानी आगे बढ़ने की इच्छा रखता रहूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आपने फर्स्ट चैप्टर पोएम फाउंटेन के बारे में पढ़ा, इसके बारे में घर पर इस कविता को दोहराइए, अभ्यास करिए और इसके चैप्टर के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्नों को हल करिए।